कम बैक टू द चैनल दिस इज एन और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और देखो लास्ट वीडियो में कोई पूछ रहा था कि मतलब आप 100% परसेंट श्योर हो तो देखो यार मैं 100% परसेंट श्योरिटी नहीं दे सकती आप लोगों को मैं जस्ट वही टॉपिक्स आपको बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं 90% परसेंट चांसेस होते हैं बट 10% परसेंट एग्जामिनर का मूड कब चेंज हो जाए वो क्या क्वेश्चन दे दे वो हमें नहीं पता होता तो मैं हंड्रेड श्योरिटी आपको नहीं दे सकती ये चीज़ मैं आपको पहले ही बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ ठीक है और देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर रखे थे चैनल पे तो उन्हीं टॉपिक्स में से जो दो चार टॉपिक्स और रह रहे थे उनको ऐड करके मैं ये आपको वन शॉट दे रही हूँ वीडियो को अच्छे से एक दो बार आप देख लोगे तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम्स में ईजिली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट सबसे फर्स्ट इसमें आप, आपका टॉपिक है बिज़नेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है तो देखो इसको आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिज़नेस क्या होता है बिज़नेस के क्या फीचर्स होते हैं क्या इंपॉर्टेंस होती है तो वो सारी चीज़ें आप एलवेंथ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो खुद से बना के लिख सकते हो तो अभी देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ठीक है तो देखो बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपने जस्ट डिसाइड करा कि हाँ मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है इस चीज़ का बिज़नेस करना है और फिर आप उसको अगर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं तो उनको पूरी करके स्टार्ट कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आप प्रोफेशन कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो कोई भी प्रोफेशन अपना अपनाना चाहते हो ठीक है तो वहाँ पे आपको उसकी जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ पे ख़ुद को एनरोल करवाना पड़ता है उसके बाद ही आप उस प्रोफ़ेशन में एंटर कर सकते हो ठीक है और एम्प्लॉयमेंट में देखो आप जॉब करते हो तो आप जहाँ पे भी जाते हो जॉब के लिए ठीक है वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी उसके बाद आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है तीनों में उसके बाद देखो बिजनेस में क्या होता है आप जो पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज देते हो ठीक है आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो या तो आप पब्लिक को कोई से भी गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हो या तो कोई सी सर्विसेज दे रहे हो ठीक है और प्रोफेशन में देखो आप किसी एक फील्ड में पर्टिकुलर आप उसमें प्रोफेशनल होते हो ठीक है आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो किसी एक चीज़ में आप एक्सपर्ट होते हो ठीक है और एम्प्लॉयमेंट में आप देखो जिस फील्ड में जाते हो आपको उस हिसाब की आपको जॉब मिलती है ठीक है तो आपको जैसा आपके रूल्स बताए गए हैं आपको उस हिसाब से काम करना होता है ठीक है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखो आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वही बिज़नेस कर सकता है कोई भी बिज़नेस कर सकता है ठीक है और प्रोफेशन में लेकिन आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हो उसकी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए ठीक है और एम्प्लॉयमेंट में देखो आपको वहाँ पे जो भी आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है आपको आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ठीक है अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो वहाँ आपको बोला है कि ट्वेल्थ पास लोग चाहिए हमें ठीक है तो आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए ठीक है कहीं आपको ग्रेजुएशन मांगते हैं तो आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ठीक है तो ये होता है डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो बिज़नेस में आपको जो पैसा मिलता है उसको आप प्रॉफिट बोलते हो कि हमने प्रॉफिट कमाया ठीक है और प्रोफेशन में आपको जो पैसा मिलता है जो फ़ीस मिलती है उसको आप प्रोफेशनल फी बोलते हो और एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरीज या फिर वेजेस मिलते हैं ठीक है बिज़नेस में देखो आपको कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है और कैपिटल कितनी होगी वो आपका बिज़नेस के साइज़ पे डिपेंड करता है ठीक है प्रोफेशन में देखो कभी कभी कैपिटल की नीड हो सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है ठीक है लेकिन उसमें लिमिटेड कैपिटल होती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई भी कैपिटल की नीड नहीं है ठीक है आप आपको कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करनी है ठीक है फिर आता है कि देखो जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और कहा जाता है जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है ठीक है और प्रोफेशन में जनरली रिस्क नहीं होता है लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर आपको उठाना पड़ता है ठीक है और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होता है आपको फिक्स जो भी काम दिया गया आपको वो करना है उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है कोई भी रिस्क आपको नहीं लेना है ठीक है और बिजनेस देखो आप अपना बिज़नेस किसी और के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो मतलब आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करके प्रोफेशन देखो आप अपना प्रोफेशन किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो आपके पास ही रह सकती है आप उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी जॉब किसी और को ट्रांसफ़र कर दो ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि टाइप्स ऑफ इनोवेशन इनोवेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखो चार टाइप्स के आपके पास इनोवेशन होते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन डिस्क्रिप्टिव इनोवेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन रेडिकल इनोवेशन सबसे पहले देखो इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है देखो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में आप जो एग्जिस्टिंग आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं ठीक है एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट है सर्विस है कोई भी टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके और फिर मार्केट में उसको लेके आते हो तो वो होता है आपका इंक्रीमेंटल इनोवेशन सेकेंड आता है आपका डिसरप्टिव इनोवेशन डिसरप्टिव इनोवेशन में देखो क्या होता है आप मार्केट में जो एग्जिस्टिंग आपकी मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है ये इनोवेशन मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है जैसे कि आप आईफोन को देख सकते हो आईफोन जब आया था तो उसने बाकी जो एग्जिस्टिंग मार्केट आपके जो एंड्रॉइड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया था ठीक है मतलब यहाँ पे आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाते हो जिससे कि जो आपकी करंट मार्केट है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ट हो जाती है और जो आपकी ये जो इस टाइप की इनोवेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बिल्कुल सीक्रेटली किया जाता है जब मार्केट में एक बार चीज़ आ जाती है तभी लोगों को पता चलता है उससे पहले किसी को कुछ भी बताया नहीं जाता है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट आता है आपका आर्किटेक्चरल इनोवेशन आर्किटेक्चरल इनोवेशन में देखो क्या होता है आप जो आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है ठीक है आप उन्हीं को अच्छे से समझते हो उन पर काम करते हो ठीक है और फिर उनमें कुछ डिफरेंट चेंजेस करके मार्केट में लेके आते हो मतलब आप एक ही चीज़ बना रहे हो लेकिन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप उसको मार्केट में लेके आ रहे हो ठीक है इसमें कंप्यूटर्स वगैरह देख सकते हो ठीक है जो अलग अलग कंपनीज़ के कंप्यूटर्स आते हैं आपके कंप्यूटर्स तो सारे कंप्यूटर्स ही रहते हैं लैपटॉप होते हैं सारे अलग अलग ठीक है वो सारे तो लैपटॉप ही होते हैं बट वो अलग अलग कंपनीज उसमें आपने थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करके उसको मार्केट में लेके आती है नेक्स्ट आता है आपका रेडिकल इनोवेशन रेडिकल इनोवेशन में देखो आप जो पुराने जो आपके चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? पुराने गुड्स होते हैं उनको उनसे आइडिया लेके उनको यूज़ करके आप उनसे कुछ नया बनाते हो ठीक है मतलब जो आपके पुरानी चीज़ें हैं उनसे आप आइडिया लेते हो और उससे फिर कुछ नया निकालते हो ठीक है तो वो होता है आपका रेडिकल इनोवेशन अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका देखो ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी कई बार पूछा जाता है तो देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपका क्या होता है कि आप एक बिजनेस होता है उसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेज होती हैं ठीक है वहाँ आप प्रोडक्ट्स अपने बेचते हो लोगों को सर्विसेज देते हो लोगों को ठीक है वहाँ पे आप मतलब खुद से जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो फिज़िकली वहाँ पे ठीक है मतलब आपकी शॉप है या फिर कंपनी है या जो भी है आपका वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होता है ठीक है लेकिन ई कॉमर्स में आपका फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है ठीक है यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली सारी ट्रांजेक्शन्स को करते हो ठीक है इंटरनेट की हेल्प से फिर आता है देखो नेक्स्ट डिफरेंस कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो आपको खुद से हाथ से रिकॉर्ड करनी पड़ती है ठीक है लेकिन ई e कॉमर्स में सारा कुछ ऑटोमेटिकली होता है आपका इंटरनेट कंप्यूटर्स की हेल्प से ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में यहाँ पर जो शॉप्स होते हैं या फिर जो भी होता है आपका वो लिमिटेड टाइम होता है ठीक है एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है फिर क्लोज होता है ठीक है ई कॉमर्स में लेकिन आपको ट्वेंटी फोर इंटू सेवन सारी सर्विसेज मिलती है ठीक है वहाँ पे आप ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कुछ भी अपना काम कर सकते हो जो भी आपको लेना है बाय करना है सेल करना है कर सकते हो ठीक है ट्रेडिशनल कॉमर्स में देखो आपको फिज़िकली जाना पड़ता है वहाँ पे जो भी आपको गुड्स लेने हैं उनको परचेज़ करने के लिए ठीक है ई कॉमर्स में आप कहीं भी बैठ के अपना उसको परचेज कर सकते हो ठीक है आपको फिजिकली प्रेजेंट होना नहीं होता है और ट्रेडिशनल कॉमर्स में यहाँ पे देखो आपका कस्टमर के साथ या फिर आप सेलर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपका और ई e कॉमर्स में आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है आप ऑनलाइन करते हो तो आप अपनी स्क्रीन से देख के सारा सामान आपको जो भी लेना होता है आप लेते हो ठीक है फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही शॉप्स ओपन कर सकते हो आपका पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं फैला सकते हो क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है लेकिन ई e कॉमर्स जो है आपका वो वर्ल्ड वाइड आपका फैला हुआ है ठीक है आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो ठीक है फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है दोनों में कि देखो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको जो गुड्स हैं आप लेने जाते हो तो आपको तुरंत आप उसको पैसे देते हो पेमेंट देते हो और उससे गुड्स ले लेते हो लेकिन ई e कॉमर्स में आपका डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है आप पहले ऑर्डर करते हो ऑर्डर प्लेस होता है आपका फिर आपका दो तीन दिन बाद वो घर पे डिलीवर होता है तो ये प्रोसेस होता है उसमें ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस किस टाइप के आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसमें देखो सबसे फर्स्ट है आपकी सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को सोल प्रोपरेटरशिप भी बोलते हैं आपको इलेवेंथ क्लास से आप पढ़ते हो आपको पता है जिसमें आपका एक सिंगल ओनर होता है वो उसका मन करता है बिजनेस स्टार्ट करने का तो वो खुद से बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस की सारी एक्टिविटीज खुद ही मैनेज करता है खुद ही कैपिटल लाता है खुद ही सारा प्रॉफिट रखता है ठीक है उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड होता है आपका पार्टनरशिप पार्टनरशिप में आपको पता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं सारी बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उस बिजनेस से सारा प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं ठीक है वो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें आपकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है ठीक है अगर कुछ भी लॉस होता है तो वहाँ से आपको घर से पैसा लाना पड़ता है ठीक है वैसे ही आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखो आपकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है ठीक है थर्ड आता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली में देखो एक ही फैमिली के मेम्बर्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करे होते हैं वो किसी भी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपने बिजनेस में खुद के जितने भी वो फैमिली मेम्बर्स होते हैं सारे मिलकर आपस में काम करते हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं फैमिली का जो मेन मेंबर होता है हेड मेंबर होता है उसको करता बोलते हैं ठीक है और बाकी जो होते हैं वो आपके फैमिली मेम्बर्स वो उसमें काम करते हैं कर, करता के रूल्स को फॉलो करते हैं ठीक है फिर आता है फोर्थ टाइप का आपका लिमिटेड लाइब्रेटी पार्टनरशिप ये भी देखो पार्टनरशिप ही है इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे होते हैं ठीक है सेम वैसे ही काम करते हैं अपना प्रॉफिट लेते हैं लेकिन इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है सबकी ठीक है यहाँ पे अगर फॉर्म को लॉस होता है तो उनको अपने घर से पैसा नहीं लाना पड़ता है ठीक है फिर फिफ्थ आता है आपका वन परसेंट कंपनी वन परसेंट कंपनी आपको पता है अगर कंपनी किसी एक पर्सन के नाम पे है उसको हम वन परसेंट कंपनी बोलते हैं मतलब उस पूरी कंपनी का एक ही ओनर होता है उसे ही हम वन परसेंट कंपनी बोलते हैं इसमें भी देखो लाइबिलिटी जो होती है आपकी अनलिमिटेड होती है और वन परसेंट कंपनी में देखो अगर किसी बंदे के नाम पे कंपनी है तो उसके नाम पे सिर्फ एक ही वन परसेंट कंपनी हो सकती है और सेकंड थिंग उस वन परसेंट कंपनी का जो नॉमिनी होता है वो नॉमिनी भी किसी भी एक ही वन परसेंट कंपनी का नॉमिनी बन सकता है उससे ज़्यादा वो किसी और भी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता है ठीक है फिर आती है आपकी स्मॉल कंपनी स्मॉल कंपनी आपकी देखो छोटी कंपनीज होती हैं स्मॉल कंपनी में देखो आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो बनाना कंपलसरी नहीं होता है एनुअल रिटर्न जो भी है ठीक है वो आपका साइन करवाना कंपलसरी नहीं होता है डायरेक्टर से इसके देखो मिनिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है वो फिफ्टी लाख रुपीज से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ठीक है टर्न जो है इनका प्रॉफिट जो है वो टू करोड़ रुपीज से एक्सीज एक्सीड नहीं करना चाहिए ठीक है ये आपकी स्मॉल कंपनी होती है और स्मॉल कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी भी नहीं होती है और एक होल्डिंग कंपनी या फिर एक सब्सिडरी कंपनी को भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल सकते हैं ठीक है थीके? या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को उसको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे और ना कि जो देखो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी हम स्मॉल कंपनी में इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये आपका स्मॉल कंपनी होता है ठीक है ये सारे आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि देखो जो भी आपकी फॉर्म है जो भी आपका बिजनेस है ठीक है वो सोसाइटी को हार्म ना करता हो अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा हो सोसाइटी को उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है वहाँ के आस का आपका जो भी एनवायरमेंट है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आप जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से सोच के करो ताकि आपके आसपास के लोगों को दिक्कत ना हो ठीक है वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बिजनेस की ठीक है तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड करा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉल्ट्री गाइडलाइंस टू को ठीक है और यहाँ पर देखो इस पॉलिसी में आपकी सी पॉलिसी है क्वेश्चन भी आता है इस पर शॉर्ट नोट कभी कभी कि सी को बताओ सी क्या होता है या फिर आ, पूछ लेगा कि सोशल एथिक्स क्या होते हैं तो वहाँ पे आपको यही चीजें लिख के आनी है कि कंपनी मतलब जो भी काम करिए जो भी बिजनेस काम कर रहा है उससे सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो उनको सारी प्रॉपरली चीजें मेंटेन करके काम करना होता है वही हमारे सोशल एथिक्स होते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो सी पॉलिसी में आपके छः कंपोनेंट्स हैं जो कि बताए गए हैं कि देखो आपको अपने स्टेक होल्डर्स की भी केयर करनी है ठीक है एथिकल वर्किंग करनी है वुमेन वर्कर्स की रिस्पेक्ट करनी है ठीक है राइट एंड वेलफेयर के लिए काम करना है ह्यूमन राइट्स के लिए आपको काम करना है वहाँ पे आपको ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना है ठीक है आपके आसपास का जो इनवायरमेंट है ठीक है उसको आपको हार्म नहीं पहुँचाना है उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी है ठीक है आपके आसपास जो भी डेवलपमेंट एरिया है ठीक है वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ों का नुकसान नहीं करना है अपनी सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना है बेसिकली यही है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फ्रेंचाइजिंग फ्रेंचाइजिंग देखो आपको पता है कि फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है आपका किसी बिजनेस का जो ओनर होता है ठीक है उसको हम फ्रेंचाइजर बोलते हैं ठीक है थीके? जिसका खुद का कोई बिजनेस होता है तो वो अपने बिजनेस का आपका उसका जो ब्रांड नेम होता है वो दूसरे लोगों को एंट्रप्रनोरस को यूज़ करने के लिए दे देता है ठीक है कि आप मेरे ब्रांड नेम को यूज कर सकते हो मेरे बिजनेस नेम को यूज कर सकते हो ठीक है ठीके? और बदले में उनसे वो कुछ पेमेंट लेता है ठीक है जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं और जिसको वो नाम यूज करने के लिए दे रहा है अपने ब्रांड का उसको हम फ्रेंचाइजी बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये आपका फ्रेंचाइजिंग होता है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग देखो क्या होता है जब आप किसी थर्ड पार्टी से अपने अपनी फर्म का अपने बिजनेस का काम करवा रहे होते हो ठीक है ठीके? उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं मतलब जब आप किसी दूसरी कंपनी को अपने कंपनी का काम करने के लिए देते हो ठीक है मतलब पहले तो वो काम आपकी कंपनी में हो रहा था कुछ भी काम हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग का एडवर्टाइजिंग का कुछ भी हो सकता है ठीक है वो काम पहले आपकी कंपनी में हो रहा था लेकिन किसी वजह से अगर आपको देखो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स के ऑर्डर मिल जाते हैं आप इतनी जल्दी काम नहीं कर सकते तो आप उनको दूसरी कंपनी से वो काम करवा लेते हो उनको पेमेंट दे कमीशन बेसिस पर ठीक है उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं ये बहुत फेमस है ठीक है और इसलिए भी यूज़ करते हैं आउटसोर्सिंग को कई बार क्योंकि इसमें कॉस्ट आपकी कम आती है ठीक है पैसे बचाने के लिए लोग आउटसोर्सिंग का यूज़ कर लेते हैं वो दूसरी अपनी फॉर्म से बिजनेस से ठीक है अपनी फॉर्म का, का काम करवा रहे होते हैं कुछ कमीशन के बदले में उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑफशोरिंग ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग में देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बस देखो आउटसोर्सिंग में क्या है कि आप सेम कंट्री में अपना काम करवाते हो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप दूसरी कंट्री में दूसरी फॉर्म से अपना काम करवा रहे हो ठीक है लेकिन ऑफ में क्या होता है कि आप ना दूसरी कंट्री में अपना काम शिफ्ट कर देते हो दूसरी कंट्री से काम ले रहे होते हो ठीक है आपकी कंपनी में पहले कोई काम हो रहा था लेकिन आपको वहाँ पे ज़्यादा महंगा पड़ रहा था या फिर लेबर की प्रॉब्लम हो रही थी या कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने क्या करा आपने किसी और कंट्री में जाके अपना वहाँ पे एक ऑफिस सेटअप कर दिया और वहाँ के लोगों को हायर करके और उनसे काम ले रहे हो ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ऑफ शोरिंग अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है मतलब एक प्रोडक्ट बनने से लेके ख़त्म होने तक की उसकी पूरी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है ठीक है तो देखो चार स्टेजेस में होती है सबसे फर्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो ठीक है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो लेके आते हो लोगों को उसके बारे में बताते हो ठीक है यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेज में आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्योंकि आपने प्रोडक्ट नया नया लॉन्च करा है तो वहाँ पे आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है वरना लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका कोई नया प्रोडक्ट आया है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका इसमें ग्रोथ स्टेज ग्रोथ स्टेज में देखो आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा होता है ठीक है लोगों को एक बार पता चल गया आपके प्रोडक्ट के बारे में कि ये नया प्रोडक्ट आया मार्केट में वो सारी चीज़ें जान जाते हैं ठीक है थीके? उसके बाद फिर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करना स्टार्ट करते हैं लोगों को अगर पसंद आ जाता है वो प्रोडक्ट तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली उसको परचेज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है ठीक है फिर आपका आता है थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज होती है आपकी मेचोरिटी स्टेज इस स्टेज पे आते आते ना आपके प्रोडक्ट का ना देखो सेल्स कम हो जाती है ठीक है और सेल्स कम होगी तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी कम होगा और सेल्स कम होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्या पता मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है उसी की तरह से मिल रोग उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट में अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा इसलिए वो उसको परचेज़ नहीं कर रहे हैं ठीक है या फिर उनको महंगा लग रहा है या फिर उन्हें कई बार लोगों को होता है ना कि एक बार नई चीज़ ट्राई करनी होती है उसके बाद फिर मन नहीं करता ठीक है बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं तो यहाँ पर थर्ड स्टेज में आपके प्रोडक्ट का सेल्स कम हो जाता है फिर आता है आपका फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज भी होती है इसको डिक्लाइन या फिर आप स्टेज भी बोलते हैं यहाँ पर आपके प्रोडक्ट सेल्स बिल्कुल ही डाउन चली जाती है बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाती है ठीक है और प्रॉफिट भी आपका बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल लो चला जाता है जब सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से होगा ये प्रोडक्ट की बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है इसके बाद प्रोडक्ट का फिर से परचेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अगर आपको मार्केट में एग्जिस्ट करना है ठीक है आपकी ग्रोथ करनी है अपने प्रोडक्ट की तो ठीक है तो ये आपके फोर स्टेजेस हो गए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेसिस ऑफ प्राइजिंग जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सेट करते हो तो किस बेसिस पे करते हो ठीक है किस तरीके से सेट करते हो प्रोडक्ट का प्राइस वो पूछा जा रहा है यहाँ पे ठीक है तो इसमें देखो तीन बेसिस होते हैं प्राइसिंग के बेसिक सबसे फर्स्ट होता है आपका कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइजेस इसमें सिंपली आप आपके प्रोडक्ट की जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके और फिर मार्केट में उसको बेचते हो ठीक है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइजिंग नेक्स्ट आता है आपका डिमांड ओरिएंटेड प्राइजिंग डिमांड ओरिएंटेड प्राइजिंग में देखो आप डिमांड को चेक करके फिर प्राइजिंग सेट करते हो अपने प्रोडक्ट की अगर आपके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में तो आप उसका प्राइस हाई रखते हो ठीक है लेकिन अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा कम है आपके मार्केट में या फिर नॉर्मल है एवरेज है तो आप फिर उस हिसाब से प्राइस सेट करते हो ठीक है अगर आप प्राइस कम रखते हो अपने प्रोडक्ट का तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज़ करेंगे ठीक है ये मैंटेलिटी होती है लोगों की कि सस्ती चीज़ मिल रही है तो चलो यार एक बार लेके ट्राई करते हैं ठीक है थीके? तो थर्ड आता है आपका कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सेट करते हो ठीक है कि आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितना प्राइस रखा हुआ है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या फिर उस पर्टिकुलर सर्विस का क्योंकि देखो अगर आपका कॉम्पिटिटर उसको आपसे सस्ते प्राइस में दे रहा है तो फिर वो आपका प्रोडक्ट लोग नहीं लेंगे अगर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की तभी लेंगे वन अगर अदरवाइज सेम प्रोडक्ट है आपका आपके कॉम्पिटेटर जैसा ठीक है थोड़े बहुत बिल्कुल माइनर से चेंजेस हैं तो वो आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो ठीक है तो यहाँ पे आप अपने कॉम्पिटेटर को देख के फिर प्राइस सेट करते हो तो ये आपके प्राइजिंग के बेसिक तीनों मेथड्स हो गए ठीक है आपका है कि कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातें करते हैं अपने आइडियाज़ को फैक्ट्स को ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं उसे ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं कम्युनिकेशन मींस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ फैक्ट्स ओपिनियंस और फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पर्सनस ठीक है दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में बात करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी आइडिया को एक्सचेंज कर रहे होते हैं या अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं ठीक है तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन अब बात आती है कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ लेता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बताओ पूरा ठीक है क्या प्रोसेस होता है इसका तो वहाँ पे आप इसको लिख के आओगे अच्छे से तो क्या प्रोसेस होता है आपका वो देखो सबसे फर्स्ट होता है आपका कम्युनिकेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका फर्स्ट आता है कम्युनिकेटर या फिर सेंडर भी बोलते हैं इसको मतलब यहाँ पे वो पर्सन होता है जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है अपने फैक्ट्स को या जो भी उसकी बात है उसको किसी और तक बताने का जो मैसेज सेंड कर रहा होता है ठीक है उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटर या फिर सेंडर अब उसके बाद आ, उसके बाद आता है देखो आपका मैसेज अब वो तो सेंडर तो पर्सन बन गया कि हाँ मैं सेंडर हूँ मतलब मैं आगे मैसेज सेंड करूँगा लेकिन आगे उसके पास भेजने के लिए कुछ मैसेज भी तो होना चाहिए ना तो जो भी बात वो सोच रहा होता है ठीक है कोई भी बात हो सकती है उसकी मन की हमें नहीं पता ठीक है लेकिन वो जो भी सोच रहा है आगे किसी और को बताने के लिए ठीक है उसे हम बोलते हैं मैसेज ठीक है message, और फिर उसके बाद आता है आपका एनकोडिंग अब उसने सोच लिया कि हाँ मेरे को ये मैसेज आगे भेजना है लेकिन उसके सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा ना उसने जो सोचा है उसको उसको किसी तरह या तो लिख के बताएगा सामने वाले को या बोल के या कैसे भी तो वो उसको एनकोड करता है ठीक है अपनी लैंग्वेज में उसको एनकोड करता है उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग ठीक है उसके बाद आता है आपका मीडियम मीडियम में क्या होता है देखो अब उसने सोच लिया ये मैसेज भेजना है फिर उसने अपनी लैंग्वेज में उसको एनकोड कर लिया उसके बाद बात आती है कि अब वो मैसेज आगे कैसे डिलीवर करेगा ठीक है तो किसी भी चीज़ के द्वारा मतलब वो डिलीवर करेगा कोई मीडियम होगा कोई मीडिया होगा उसका ठीक है तो जैसे कि वो या तो टेक्स्ट मैसेज आपको भेज सकता है फ़ोन कॉल करके आपको बता सकता है फैक्स भेज सकता है आपको कोई एग्रीमेंट बनवा के या फिर पेपर पे लिख के भेज सकता है ठीक है या फिर आपसे सामने टू तो, सामने आके मिल सकता है ठीक है फ़ेस टू फेस, तो फेस आपसे वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता है कई सारे मतलब यहाँ पे मोड्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं मीडियम ठीक है कि वो किस तरीके से आप तक वो मैसेज पहुँचा रहा है उसके बाद आता है डिकोडिंग अब उसने मीडियम भी सिलेक्ट कर लिया कि सपोज करो उसने टेक्स्ट के द्वारा आपको मैसेज भेज दिया थी ठीक है थीके? तो अब वहाँ उसने अपनी लैंग्वेज में तो एनकोड कर लिया था अब जो रिसीवर होता है वो यहाँ पे उसे डिकोड करता है मतलब रिसीवर अपनी लैंग्वेज में उस उसने जो भी मैसेज भेजा है सेंडर ने उसको समझने की कोशिश करता है डीकोड करता है ठीक है उसके बाद आता है आपका रिसीवर रिसीवर वो पर्सन जिसको मैसेज रिसीव हुआ है आपका ठीक है सेंडर का उस वो हमारा रिसीवर है उसके बाद आपका लास्ट इसमें आता है फीडबैक फीडबैक में देखो सेंडर ने अपनी सारी बात सोच ली एनकोड करके भेज दी है रिसीवर ने भी उसको ले लिया मतलब मैसेज को डिकोड कर लिया उसके बाद अब उसने जो भी बोला है सेंडर ने उस पर क्या रिस्पॉन्स देगा रिसीवर उसे ही हम बोलते हैं फीडबैक आपको किसी ने कुछ बोला और आप उस पर बोलने पर जैसे आपको किसी ने बोला कि हाँ भाई तुम तो मेरे साथ गाना गाओ ठीक है आपने सुन लिया ये मैसेज एक तरीके का उसके बाद में आप उस पर क्या रिस्पॉन्स देते हो मना कर देते हो कि मैं नहीं गाऊंगी उसके साथ में उसको ज्वाइन करते हो ठीक है तो वो आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो हमारा फीडबैक होता है ये है हमारा पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस अब नेक्स्ट आता है आपका चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मतलब इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किस किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है तो देखो आपकी बुक में ना एक चार्ट दिया हुआ था ये प्रॉपर तो मैंने वहीं से लिया है इसको आप एक बार चेक कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल से इसको आके हम देखते हैं ठीक है सबसे फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स के बेस पे आपका दो टाइप का कम्युनिकेशन हो सकता है एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल ठीक है फॉर्मल में वही अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहाँ पे कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि आपके मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स सबॉर्डिनेट्स को कोई भी बात बोलते हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट जो है वो कोई भी आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा है जो मतलब फॉर्मल एक कम्युनिकेशन होता है आप ठीक है वही हमारा होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी ओरल नहीं होता है ये मोस्टली रिटर्न ही होता है ठीक है फिर आपका आता है सेकेंड टाइप का इनफॉर्मल इनफॉर्मल में जैसे कि एम्प्लॉज आपस में बात कर रहे हैं किसी भी पार्टी के रिगार्डिंग या कुछ भी वो आपस में इधर उधर की बातें कर रहे हैं ठीक है नॉर्मली जैसे लोग करते हैं तो वो हमारा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है आपका मोस्टली वर्बल होता है बोल के किया जाता है ठीक है अब आता है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्लो के डायरेक्शन पे सॉरी फ्लो के बेसिस पे ना आपका चार टाइप का होता है कम्युनिकेशन हॉरीजोंटल अपवर्ड डाउनवर्ड डाइगनल हॉरीजोंटल में आपका क्या होता है जो मतलब एक ही लेवल पे आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है ठीक है जिसमें देखो आपके ना मतलब दो रैंक्स जो होते हैं जैसे दो मैनेजर्स हैं ठीक है थेके? वो आपस में बात करें तो उनकी रैंक सेम है दोनों ही मैनेजर हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या फिर देखो दो सबॉर्डिनेट्स आपस में बात करें तो उनका भी दोनों का रैंक सेम है सब ऑर्डिनेट्स हैं दोनों तो आपस में वो लोग कम्युनिकेट करें उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो मतलब एक ही लेवल पर होता है ठीक है एक ही रैंक होती है वहाँ पर जो भी कम्युनिकेटर्स हैं उनकी अब सेकेंड आता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन इसमें देखो नीचे से मतलब लो लेवल से टॉप लेवल तक कम्युनिकेशन हो रहा होता है ठीक है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसको बोलते हैं अपवर्ड ठीक है जैसे कि देखो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपनी वर्क रिपोर्ट फोरमैन को आगे देते हैं ठीक है जो मैनेजर्स हैं वो जनरल मैनेजर्स को आगे अपनी रिपोर्ट देते हैं या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपना आगे कम्युनिकेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मतलब अपने से ऊपर मतलब जिनकी रैंक हो उनके साथ जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है ठीक है अपवर्ड जा रहा होता है टॉप लेवल की तरफ उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन अब नेक्स्ट आता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जस्ट अपवर्ड कम्युनिकेशन का अपोजिट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब टॉप लेवल से नीचे लो लेवल की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जैसे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं चीफ चीफ एग्जीक्यूटिवस के पास में ठीक है जनरल मैनेजर कोई भी अपना कम्युनिकेट कर रहा है नॉर्मल मैनेजर से ठीक है तो इस हिसाब से ये सारा होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर आता है अब आता है आपका एक डायगोनल कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है देखो दो अलग अलग रैंक के जो पर्सनस होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जैसे और ये नॉर्मली नहीं होता है इस टाइप का कम्युनिकेशन कुछ स्पेशल केसेस में डायगोनल कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है जैसे कि देखो कोई सबॉर्डिनेट है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको पता चलता है जैसे ही कि कोई भी मैनेजर है फ्रॉड कर रहा है या कुछ भी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वो देखो जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको कहीं दिखते हैं या मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो उनको जाके डायरेक्टली बता देता है ठीक है तो इन दोनों को देखो रैंक में बहुत फ़र्क है ये लोग डायगनली कम्युनिकेट कर कम्युनिकेट करें ठीक है और ये नॉर्मली ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होता है बहुत स्पेशल केसेस में ही डायगोनल कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन अब आता है आपका बेस बेस्ड ऑन मेथड यूज मेथड यूज ठीक है मतलब मेथड्स आप किस टाइप के यूज कर रहे हो उस हिसाब से देखो तीन टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं वर्बल रिटर्न और गैस्ट्रल वर्बल वही जहाँ पे आप बोल के सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो रिटर्न वो होता है जिसमें आप लिख के कम्युनिकेट करते हो ठीक है लिख के पेपर पे फोन पे टेक्स्ट पे कैसे भी ठीक है और गैस्ट्रल जहाँ पे आप अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हो ठीक है इशारों में आप बातें करते हैं जो उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रल कम्युनिकेशन तो ये था आपका पूरा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसी के भी साथ तो उस कम्युनिकेशन में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ठीक है रुकावट आ जाती है बैरियर्स का मतलब यही है वहाँ पे रुकावट आना ठीक है कम्युनिकेशन में कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम आना तो उसे ही हम बोलते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक है तो इसमें देखो कई टाइप के बैरियर्स आ सकते हैं आपका जैसे आप कई बार फ़ोन पर कौ, कॉल पे बात कर रहे होते हैं किसी से आपको सामने वाले की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है या फिर ब्रेक हो रही होती है तो देखो वो आपके कम्युनिकेशन में बैरियर आ गए प्रॉब्लम आ गई उसने कुछ बोला आपने कुछ सुना प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो ठीक है तो वही है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं वो देखो सबसे फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लेयर्स देखो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा मतलब आपके लेवल्स होते हैं लेयर्स होते हैं ठीक है तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आ जाता है जो लो लेवल के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि देखो एक एक इंसान दूसरे इंसान तक बात पहुंचाएगा ठीक है जो आपका सबसे लोअर लेवल है वो तो अपने से थोड़ी अपर रैंक वाले तक काफ़ी ज़्यादा देखो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और कई बार ऐसा होता है कि वो मैसेज टॉप लेवल तक जाते जाते मैसेज ही कुछ और बन जाता है जो लो लेवल वाले थे उन्होंने कुछ कुछ और मैसेज बताना चाह था लेकिन मतलब इतनी मल्टीप्लिसिटी के कारण वो मैसेज कुछ और ही आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है वो बोलना कुछ चाहते थे, थे और टॉप लेवल वालों ने कुछ और समझ लिया ठीक है थीके? अब सेकंड आपका जो बैरियर आ जाता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर जिसको हम सेमेंटिक बैरियर्स भी बोलते हैं ठीक है जहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है क्योंकि देखो जैसे कभी कभी सेंडर है उसकी लैंग्वेज कुछ और है ठीक है उसको हिंदी आती है और जो आपका रिसीवर है वो हिंदी नहीं समझता उसको बंगाली आती है ठीक है तो यहाँ पे दोनों के बीच में लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा क्योंकि अब दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है अब थर्ड टाइप का आपका बैरियर आता है वो होता है स्टेटस बैरियर इसमें देखो स्टेटस बीच में आ जाता है कई बार देखो जो अगर लो लेवल मैनेजमेंट के पास कोई भी आइडिया होता है किसी सबऑर्डिनेट के पास सपोज करो कोई आइडिया है ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए बेनिफिट के लिए तो वहाँ पे देखो वो सोचता है कि मैं बताऊँ या ना बताऊँ पता नहीं जो टॉप लेवल वाले लोग हैं वो मेरी बात पे मानेंगे भी विश्वास करेंगे भी कि नहीं क्योंकि देखो उसकी पोजीशन अभी बहुत छोटी है बहुत कम रैंक है उसका ठीक है स्टेटस अभी उसका इतना नहीं है तो उसको ऐसा फील होता है और कई बार ऐसा होता है कि देखो टॉप लेवल वाले जो लोग होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए सी हो गए ठीक है वो लोग सोचते हैं कि इनको क्या ही पता होगा इनसे मैं क्या ही पूछूं या फिर ये लोग मेरे को क्या ही सजेशन दे सकते हैं वो अपने स्टेटस को ज़्यादा मानते हैं ठीक है तो यहाँ पे स्टेटस भी कई बार एज अ बैरियर आ जाता है कम्युनिकेशन में ठीक है और फोर्थ आता है आपका फ़िज़िकल डिस्टेंस एज अ बैरियर फिज़िकल डिस्टेंस भी बैरियर हो सकता है क्योंकि देखो आपको अगर आपकी कई सारी ब्रांचेज है ठीक है तो आपको दूसरी ब्रांच के साथ कम्युनिकेट करना है तो फिज़िकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और नेटवर्क अगर नहीं है देखो तो आप मोबाइल पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो ठीक है दूर है तो आप जा भी नहीं सकते हो इतनी जल्दी जल्दी ठीक है तो फिजिकल डिस्टेंस भी कई बार बैरियर में आ जाता है आपका जब आपको डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अब लास्ट आता है आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स इसमें देखो कई बार क्या होता है अगर किसी पर्सन का मूड ऑफ है उसका कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है ठीक है और उसको आप कोई बात उस टाइम समझा रहे हो ठीक है सपोज करो आप मैनेजर हो आप अपने सब को कोई काम सिखा रहे हो या बता रहे हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उस सब को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है ठीक है वो डिप्रेशन में है या उसको किसी भी टाइप की इमोशनल स्ट्रेस हो रखा है ठीक है तो वो आपकी बात को उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो इमोशनली डाउन है ठीक है उस, उसकी अपने पर्सनल रीजन की वजह वजह से तो यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैनेजर ने तो अपनी बात बोल दी ठीक है उसको लगा भाई इसने खड़ा तो है सारी बातें सुन ली अब जो सबॉर्डिनेट था उसका वो मेंटली एबसेंट था उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था तो उसने कुछ भी नहीं सुना और काम जाके कुछ और गड़बड़ कर दी थीके? तो ठीक है तो यहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स यही होते हैं आपके ठीक है तो ये थे आपके सारे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉर्डिनेशन कॉर्डीनोशन कॉर्डिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है देखो इंडिविजुअल्स या ग्रुप एफर्ट्स को एक साथ लेके आना उसमें यूनिटी लाना ठीक है यही मतलब होता है आपका कोऑर्डिनेशन का जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग सारे जो भी एफर्ट्स डाल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए प्रॉफिट के लिए ठीक है या फिर जो भी ग्रुप्स होते हैं ठीक है उन सारे ग्रुप्स में यूनिटी ऑफ एक्शन को लाना ठीक है सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाना सब देखो अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं उनका अपना अलग अलग पर्पस चल रहा होता है लेकिन उन सब के जो भी एफर्ट्स हैं जो भी वो काम कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूनिटी लाना उसमें ठीक है ये काम होता है हमारा कोऑर्डिनेशन, ठीक है तो कोऑर्डिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीचर्स होते हैं वो देखो सबसे फर्स्ट है आपका हार्मोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स मतलब देखो मैनेजमेंट में सिर्फ जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको लाना ही काम नहीं होता है, ठीक है जो भी लोग काम करें जो भी ग्रुप एफर्ट्स उसमें डाले जा रहे हैं उस काम को करने के लिए उन सबको यूनिटी लाना उन सबको एक साथ लाना और सबका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ ध्यान डालना ठीक है ये होता है हमारा हार्मोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स सेकेंड आता है आपका यूनिटी ऑफ एक्शन वही के काम में यूनिटी लानी है ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने पर्पस के लिए काम करें सबको जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करना होता है ठीक है ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन थर्ड आता है आपका परस्यूट ऑफ कॉमन परस पर्पस देखो हर एम्प्लॉय के अपने गोल्स होते हैं अपने बिलीव्स होते हैं एटीट्यूड होता है ठीक है लेकिन उन सबको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है अपने लिए तो वो अपने लिए तो अचीव करते हैं अच्छी बात है लेकिन उसके साथ ही में उनको अच्छे से वर्क करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यही होता है हमारा परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस की एक कॉमन पर्पस के लिए जो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ठीक है उनको मोटिवेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उनको एक कॉमन पर्पस दिया जाए ठीक है आपका फोर्थ आता है कंटीन्यूस प्रोसेस कोऑर्डिनेशन देखो ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया ठीक है एक बार सबको मिला के ग्रुप एफर्ट्स डाल के आपने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर लिया उसके बाद आप छोड़ दोगे कोऑर्डिनेशन को तो ऐसा नहीं होता है कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जब तक चलेगी तब तक वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन फिफ्थ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो छोटी बड़ी ठीक है कोई भी फॉर्म हो हर हर मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोऑर्डिनेशन को अच्छे से कोऑर्डिनेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखना ठीक है ये हर मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है सबसे फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है लीडरशिप लीडरशिप से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लीडरशिप क्या होती है लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले देखो लीडरशिप क्या होता है लीडरशिप का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन लीडर जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो ताकि वो गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके उसे हम लीडरशिप बोलते हैं ठीक है थीके? मतलब एक पर्सन दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बिना डराए धमकाए ठीक है थीके? अपनी मर्जी से वो लोग उस लीडर से इन्फ्लुएंस होते हैं उसकी बात मानते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं ठीक है मोटिवेटेड फील करते हैं लीडरशिप जो होती है लीडर जो होता है एक अच्छा लीडर वो दूसरे लोगों को गाइड करता है उनको डायरेक्शन देता है ठीक है कि कैसे क्या होएगा कैसे क्या काम करना है कैसे सारी चीज़ें मैनेज होंगी तो लीडरशिप का सीधा सीधा मतलब है दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना इस तरीके से ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में अपना पूरा हंड्रेड परसेंट दें ठीक है तो वो होता है आपका लीडरशिप आप लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से होते हैं देखो थ्री टाइप के आपके लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं सबसे फर्स्ट होता है आपका ऑटोक्रेटिक या फिर इसको अथॉरिटेटिव स्टाइल भी बोलते हैं इसमें देखो क्या होता है एक जो मतलब आपका सुपीरियर होता है सारी पावर उसी के पास होती है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई भी पावर नहीं देता है ना डिसीजन मेकिंग की ना और कुछ सोचने की ठीक है वो बस अपनी मर्जी चलाता है उसने जो काम बोल दिया उसके सबॉर्डिनेट्स को वही काम करना पड़ता है ठीक है सारी पावर यहाँ पर सुपीरियर के हाथ में होती है और उसका मेन मोटिव होता है अपना काम करवाना ठीक है वो सबऑर्डिनेट्स से सजेशंस नहीं मांगता है कभी सबॉर्डिनेट्स के डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट वो नहीं करने देता है वो अपने ही डिसीजंस खुद लेता है और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवाता है अपने सबॉर्डिनेट्स से तो ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेटिव स्टाइल आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिसमें एक जो आपका सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को टास्क देता है और उनसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता उनको और अपना काम उनसे करवाता है ठीक है उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसको पूरा करवाने के लिए वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाता है और उनकी राय नहीं लेता है किसी भी काम में ठीक है यहाँ पे सारी पावर जो होती है आपके सुपीरियर के पास होती है तो ये आप ये आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया लीडरशिप का ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपका डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल इसमें देखो पावर्स थोड़ी सी बटी हुई होती हैं जो आपका सुपीरियर्स होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को भी पावर्स देता है डिसीजन मेकिंग में ठीक है ताकि वो लोग भी अपने आप से डिसीज़न ले सके अगर उनके पास कोई सजेशन है तो वो सजेशन दे सके अगर कुछ न्यू आइडियाज़ वो बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सकें खुद से कोई सजेशन दे सकें खुद से कुछ काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ठीक है थीके? सारी पावर यहाँ पे आपके सुपीरियर के पास नहीं होती है यहाँ पे पावर बटी हुई होती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में ठीक है तो ये होता है आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल जो कि हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल को ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो सबॉर्डिनेट्स को भी ऐसा लगता है कि हाँ उनकी वैल्यू है थोड़ी उनको भी पावर्स दी गई हैं तो वो अपना बेस्ट काम करते हैं ठीक है थीके? और अगर आप उन्हें कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दोगे उन्हें कोई पावर्स ही नहीं दोगे तो उनको डीमोटिवेटेड फील होता है और फिर वो अपना काम भी अच्छे से नहीं करते हैं तो ये वाला जो लीडरशिप का स्टाइल है ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है ठीक है एज़ कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑटोक्रेटिक में सारी पावर आपकी सुपीरियर्स के पास ही होती है तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट्स डिमोटि डिमोटिवेटेड फील करते हैं उनके पास कोई पावर्स नहीं होती है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं सारे काम उनको सुपीरियर से पूछ के करने पड़ते हैं तो यहाँ पे वो अपना हंड्रेड परसेंट नहीं देते हैं ठीक है थीके? तो आपका जो डेमोक्रेटिक स्टाइल है या फिर इसको पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी बोलते हैं ये वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपका लेजी फेयर या फिर इसको फ्री रेन स्टाइल भी बोलते हैं ठीक है थीके? नाम याद रखना लेजी फेयर और फ्री रेन कई बार एग्ज़ाम में फ्री रेन भी लिखा हुआ होता है या फिर लेजी फेयर भी लिखा हुआ रहता है तो दोनों एक ही होता है कंफ्यूज मत होना इसमें देखो क्या होता है सारी पावर्स जो होती हैं वो हमारे सबॉर्डिनेट्स के पास होती हैं सुपीरियर जो होता है वो सारी पावर्स जो है सबॉर्डिनेट्स को दे देता है और कहता है कि तुम सब कुछ खुद ही मैनेज कर लो अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो वो तुम मुझे बताना मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है ये वाला जो स्टाइल है ये ज़्यादातर वहाँ पे सूटेबल होता है जहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो उनको पहले से ही सारा काम आता हो काफ़ी ज़्यादा स्किल्स हो उनके पास ठीक है जो नौसिखिया लोग होते हैं उनके साथ ये सब ये वाला स्टाइल आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उनको खुद से ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई नॉलेज नहीं है तो वो कैसे सारे डिसीजंस लेंगे तो ये वाला स्टाइल वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स वेल एक्सपीरियंस्ड हों वेल डेवलप्ड हों ठीक है तो वहाँ पे ये स्टाइल फॉलो किया जाता है इसमें सारी पावर्स आपकी सबॉर्डिनेट्स के पास होती हैं वो खुद से ही सारा काम कर रहे होते हैं सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं जो भी उनका टास्क होता है वो कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे जो आपका लीडर होता है या फिर जो आपका सुपीरियर होता है वो बस आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है ठीक है तो ये होता है आपका फेयर स्टाइल तो ये आपके तीनों लीडरशिप के स्टाइल्स हैं इनमें से एक आधा स्टाइल कई बार पूछ लेता है कई बार ऑटोक्रेटिक पूछ लेता है कई बार डेमोक्रेटिक स्टाइल आपसे पूछ लेगा या तीनों भी एक साथ पूछ सकता है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में ठीक है आपको थोड़ा सा पहले तो डेफिनेशन टाइप में लिखना है उसके बाद आप इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखना ठीक है अब आता है नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो देखो मार्केटिंग का है मार्केटिंग से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग क्या होती है ठीक है मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है मार्केटिंग से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले देखो कि मार्केटिंग क्या होता है देखो मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस होता है मार्केटिंग सेलिंग को नहीं बोलते हैं मार्केटिंग देखो आपका स्टार्ट हो जाता है जब आप प्रोडक्ट बनाते हो किसी कस्टमर के लिए ठीक है प्रोडक्ट बनाने से पहले ही आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट आपने एक बार कस्टमर को सेल कर दिया तो वहीं पे मार्केटिंग ख़त्म नहीं होती है उसके बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है जैसे कि आप कस्टमर सपोर्ट जो सर्विस देते हो कस्टमर केयर सर्विसेज देते हो ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है वो सारा आपका मार्केटिंग के अंदर आता है ठीक है मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जो आपका मार्केट है ठीक है उसमें कस्टमर्स को क्या चाहिए वो कौन सा प्रोडक्ट चाह रहे हैं कौन सी सर्विसेज वो लेना चाह रहे हैं ठीक है वो सारी चीज़ें पता करना एनालाइज करना उनको और फिर उस हिसाब से आप प्रोडक्ट्स बनाते हो कि कस्टमर को क्या चाहिए आप उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ठीक है कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग ठीक है वो सर्विसेज आप पहले पता करते हो उनको क्या चाहिए प्रोडक्ट्स चाहिए कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए ठीक है फिर उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हो उसके बाद कस्टमर्स तक पहुँचाते हो उन प्रोडक्ट्स को उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हो कस्टमर्स को ठीक है ये पूरा प्रोसेस आपका मार्केटिंग कहलाता है ठीक है Marketing may be defined as the process of ascertaining cons consumer needs, converting them into products or services, and moving the products or services to the final user, final com uh, consumer, or user to satisfy certain needs and want of specific consumer segment or segments with emphasis on profit profitability, ensuring the optimum use of the. रिसोर्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वही कि कंज्यूमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना फिर उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना या सर्विसज में और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स और सर्विसज़ को कंज्यूमर्स तक या फिर उसके फाइनल यूजर्स तक पहुंचाना ठीक है जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो और फिर उससे आपको प्रॉफिट जनरेट करना है ठीक है वो उन प्रोडक्ट से उन सर्विसेज से आप जब प्रॉफिट कमा लेते हो उसे ही आप हम मार्केटिंग बोलते हैं ठीक है थीके? अब आता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से होते हैं तो देखो आपके फाइव टाइप के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं सबसे फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ठीक है प्रोडक्स प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी बिजनेसमैन ये बिलीव करते थे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना उनको लो प्राइस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मतलब वो सस्ते प्रोडक्ट्स और जो आसानी से मार्केट में मिल जाए ऐसे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं ठीक है एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है बट पहले लोगों को ऐसा ही लगता था तो वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे और काफ़ी ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते थे ठीक है और प्रोडक्शन करते वक्त फिर वो ध्यान ही नहीं देते थे कि आपका जो कंज्यूमर है उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए एक्चुअली में प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी है भी या नहीं वो बस चीप प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा विश्वास करते थे और बल्क में काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते थे तो वही होता है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ठीक है जहाँ पे आप जो भी एंटरप्राइजेस है जो भी कंपनीज है वो बल्क में प्रोडक्ट बनाती हैं और प्रोडक्ट कैसा है अच्छा है बुरा है वो वो लोग नहीं चेक करते हैं ठीक है वो बस बल्क में बना देते हैं और सोचते हैं कि सस्ता मिलेगा तो जो जो भी कंज्यूमर है आपकी जो भी मार्केट है वो इसको ज़रूर परचेज़ करेगी ठीक है लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है अगर आप ख़ुद भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो क्या सिर्फ वो प्रोडक्ट सस्ता है आप इसी वजह से ले लोगे नहीं ना आप अच्छे से चेक करोगे उसकी क्वालिटी कैसी है आपको उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है या फिर मार्केट में तो कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप सब कुछ थोड़ी ना लोगे आपको जो चाहिए आप वही लोगे ठीक है तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यही कहता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हो बस प्रोडक्शन करते हो ठीक है क्वालिटी कैसी है प्राइस कैसा है ऑडियंस को क्या चाहिए उससे कोई भी मतलब नहीं रखती हैं इस टाइप की कंपनीज ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखो जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा सा अपोजिट है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो कंपनीज जो विश्वास करती हैं ठीक है थीके? वो क्या करती हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करती हैं ठीक है थीके? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं लेकिन यहाँ पे एक गलती वो भी करती हैं वो मतलब प्रोडक्ट्स तो अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटीज की बना लेती हैं ठीक है थीके? बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा उस पर स्पेंड भी करते हैं मनी भी स्पेंड करते हैं ठीक है लेकिन वो लोग ये ध्यान ही नहीं रखते कि कस्टमर को एक्चुअली में वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए अच्छी क्वालिटी का तो है वो अच्छी बात है कि हाँ आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए लेकिन कस्टमर वो प्रोडक्ट चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है वो लोग ध्यान नहीं देते हैं ठीक है इस टाइप की कंपनीज वो ध्यान नहीं देती हैं कि कस्टमर को वो चाहिए कि नहीं चाहिए वो बस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना लेती हैं तो यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट आपका नहीं है ठीक है क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए होगा वो वही लेगा चाहे आपका प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी क्वालिटी का आप कोई कस्टमर मार्केट में सपोज करो कि स्कूल बैग लेने गया ठीक है और आप वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल ब्रांडेड आप शूज़ बेच रहे हो या कुछ और प्रोडक्ट है ठीक है बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के तो वहाँ पे वो वो प्रोडक्ट्स लेके क्या करेगा जब वो बैग लेने गया तो उसको बैग चाहिए ठीक है तो यहाँ पे ये लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए ठीक है या फिर देखो ये का आपने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बिस्किट बनाया ठीक है कोई भी आपकी कंपनी आपने बिस्किट बनाया बहुत अच्छी क्वालिटी का सब कुछ उसमें इन्ग्रीडियंट्स हैं आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले हैं ठीक है लेकिन कस्टमर को जो आपका प्रोडक्ट का है बिस्किट है उसका टेस्ट ही पसंद नहीं आ रहा है तो वो, वो बिस्किट क्यों परचेज़ करेगा आपको कस्टमर क्या चाह रहा है वो ध्यान में रखना पड़ेगा तभी तो कस्टमर उसको लेगा ठीक है अगर कस्टमर को उसका टेस्ट ही नहीं पसंद है तो आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बना लो वो नहीं लेगा तो इस टाइप की जो आपकी कंपनीज़ होती हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं ठीक है अब नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में देखो जो कंपनीज़ होती हैं जो सेलिंग कॉन्सेप्ट ज़्यादा विश्वास करती हैं वो बस सेल करना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विसेज़ को बस वो बेच देना चाहते हैं किसी भी तरीके से ठीक है चाहे वो उनका प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो कस्टमर को चाहिए नहीं चाहिए महंगा है सस्ता है उससे उनका कोई भी मतलब नहीं वो बस चाहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है हम बेच सकें उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सेल कर सकें तो ये जो कंपनीज होती हैं वो सेलिंग में ज़्यादा विश्वास रखती हैं और इनको पता होता है कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं वो आपके सारे प्रोडक्ट्स को परचेस नहीं करेंगे जब तक आप उनकी मार्केटिंग नहीं करोगे आप उनके लिए देखो प्रमोशन नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट्स का ठीक है तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एफर्ट्स डालते हैं ठीक है जो भी इनके गैजेट्स होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई या फिर कोई भी फूड प्रोडक्ट हो गया किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो गया उसका ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करते हैं एड्स वगैरह आपने देखा होगा टी वी आते हैं आजकल फ़ोन पर भी काफ़ी सारे जो एड्स वगैरह डालते हैं वो लोग इसीलिए डालते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके ठीक है तो ये होता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट अब आता है आपका नेक्स्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है इसमें ये लोग सबसे पहले जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर जो आपका कंज्यूमर जो है वो क्या चाह रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट चाह रहा है किस टाइप की सर्विसेज चाह रहा है ठीक है ये लोग पहले पता करते हैं मार्केट में ठीक है फिर जब इनको पता चल जाता है हाँ ये 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 प्रोडक्ट चाह रहा है कंज्यूमर तब फिर ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो और एक बार देखो आप किसी कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हो तो वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा अगर उसको आपकी चीज़ पसंद आई है उसको अच्छी लगी है ठीक है तो वो आपके पास दोबारा फिर से आएगा ये गारंटी होती है ठीक है तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि पहले हम कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इनका जो टारगेट है वो कंज्यूमर का वो बढ़ सके ताकि ज्यादा से ज़्यादा लोग इनके पास आए और अगर आप कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट्स दोगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पास फिर से आएगा उसको आपको प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो ये लोग यही करते हैं पहले पता करते हैं कस्टमर को क्या चाहिए फिर उस हिसाब के प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं और उनको बेचने के बाद भी फिर ये लोग ध्यान रखते हैं कि उन प्रोडक्ट्स में उन सर्विसेज़ में कस्टमर्स को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर ये देखो कस्टमर केयर सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए और वो इनके पास दोबारा आ सके और इस तरह से फिर ये लोग देखो लॉन्ग रन में प्रॉफ़िट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमाते हैं इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलता है क्योंकि देखो ये अच्छा मेथड है बहुत ज़्यादा आपका बिज़नेस के लिए ठीक है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है आपका अब नेक्स्ट आता है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट देखो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके सोसाइटल कॉन्सेप्ट बनाया गया है इसमें भी ये लोग पहले कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके उनको प्रोडक्ट्स देते हैं ठीक है उनको बाद में कस्टमर केयर सर्विसेज भी देते हैं कोई प्रॉब्लम आए तो और उसके साथ ही में ये लोग सोसाइटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ताकि जो आपकी सोसाइटी को मतलब कोई भी हार्म ना हो उन प्रोडक्ट्स से ठीक है सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सोसाइटी खुश रहेगी तो देखो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा आपकी गुडविल ज़्यादा अच्छी बन पाएगी ठीक है तो जो कंपनी सोसाइटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो ध्यान रखती हैं कि हम अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए कस्टमर भी हमारा सेटिस्फाई हो जाए और साथ ही में सोसाइटी का भी फायदा हो ठीक है सोसाइटी को भी कोई नुकसान ना हो ठीक है तो ये जो कंपनी सोसाइटल कॉन्सेप्ट बनाती है इनका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता है काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं गुडविल भी इनकी अच्छी बन जाती है ठीक है तो ये आपके सारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट थे आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है ठीक है तो देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिज़नेस में किसी भी आपकी कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे आप फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करते हो उस पूरे प्रोसेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं मतलब आप फाइनेंस के लिए जैसे फंड्स कैसे रेज करते हो शेयर्स से डेवेंचर्स से ठीक है फिर उनको किस किस जगह पे यूज़ करते हो उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो ठीक है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है ठीक है ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में तो देखो इक्विटी शेयर्स में आपका क्या होता है जो आपकी कैपिटल है जब इन केस फ्यूचर में कभी कंपनी आपकी वाउंड अप होती है तो जब कंपनी वाउंड अप होएगी तो वहाँ पे इक्विटी शेयर्स का पैसा बाद में दिया जाता है जो आपके इक्वि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका कैपिटल का रिफंड बाद में होता है ठीक है उससे उस पहले आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल की उनकी रिफंड की जाती है ठीक है जब कंपनी वाउंड अप होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनकी कैपिटल रिफंड की जाएगी उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को उनकी कैपिटल रिफंड होगी ठीक है सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये होता है सेकेंड डिफरेंस होता है कि देखो इक्विटी शेयर्स में ना जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिविडेंड मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको पहले डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर्स वालों से पहले ठीक है मतलब आप अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड पहले मिलेगा ठीक है लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उन सभी को डिविडेंड दिया जा चुका होगा ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि आपका देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है आपका उसमें ना डिविडेंड का रेट फ़िक्स होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डिविडेंड का कोई फ़िक्स रेट नहीं होता है ठीक है वो डायरेक्टर्स ईयर टू ईयर चेंज करते रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितना किस रेट पे उनको डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोट करने का राइट right नहीं होता है ठीक है नॉर्मल केसेस में तो उनके पास वोट करने का राइट right नहीं होता है जनरली लेकिन हाँ कुछ स्पेशल केसेस में उनको वोट करने का right राइट प्रोवाइड किया जाता है ठीक है और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आपका वोट करने का राइट right होता है वो कंपनी के डायरेक्टर को खुद ही अपॉइंट करते हैं ठीक है खुद ही इलेक्ट करके चुनते हैं उसको कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर कौन होएगा ठीक है तो ये एक डिफरेंस है फिर नेक्स्ट डिश्चेंस है कि आपका देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आपके रिडीमेबल होते हैं ठीक है आप उनको रिडीम कर सकते हो एक टाइम पीरियड के बाद और जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कभी भी रिडीमेबल नहीं होते हैं ठीक है तो ये आपके सारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस हो गया अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है तो देखो सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो है कि आपकी जो प्राइमरी मार्केट होती है वो न्यू इशू मार्केट होती है मतलब इसमें सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको इशू इशू किया जाता है फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इशू होती हैं ठीक है ठीके? और जो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें एक बार जो सिक्योरिटीज़ इशू हो चुकी हैं ठीक है ठीके? उन्हीं का एक्सचेंज होता है उन्हीं को ख़रीदा और बेचा जाता है ठीक है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ठीक है सेकेंड डिफरेंस आता है कि देखो आपका जो प्राइमरी मार्केट है उसमें डायरेक्ट बाइंग करते हो आप आपकी जो भी कंपनी है आप उसके साथ डायरेक्टली परचेज करते हो सेल करते हो ठीक है मतलब कंपनी और कस्टमर्स के बीच में डायरेक्टली वो लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक्स को जो भी है उनके पास उनको बाय करते हैं ठीक है थेके? और सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे इनडायरेक्ट बाइंग होती है यहाँ पे आप बीच में जिन्होंने पहले सिक्योरिटीज़ परचेज कर रखी हैं वो किसी और को सेल करते हैं कोई और उनसे परचेज़ करता है ठीक है मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट बाइंग होती है आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील यहाँ पर नहीं करते हो सेकेंडरी मार्केट में ठीक है नेक्स्ट डिफ्रेंस आता है आपको कि देखो प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं जो भी आपके स्टॉक्स uh, हो गए शेयर्स हो गए जो भी कुछ इशू किया जाता है वो फाइनेंस को रेज करने के लिए किया जाता है ठीक है फंड्स रेज करने के लिए किया जाता है जब स्टार्टिंग में बिज़नेस स्टार्ट होता है तब उसको फंड्स चाहिए होते हैं तो वो उन फंड्स को रेज करने के लिए प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं ठीक है सेकेंडरी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है उनके पास फंड रेस तो उन्होंने पहले ही कर लिया प्राइमरी मार्केट में यहाँ पे जो जिन्होंने पहले से ही स्टॉक्स खरीदे थे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे डवेंचर्स खरीदे थे ठीक है वो आपस में चेंज करते हैं यहाँ पे ठीक है किसी और को बेच रहे होते हैं ठीक है किसी और से खरीद रहे होते हैं थीके? तो यहाँ पे फाइनेंस को रेज नहीं किया जाता है ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका कि देखो जो आपकी प्राइमरी मार्केट होती है वहाँ पे सिक्योरिटीज़ बस एक ही बार बेची जा सकती हैं ठीक है थीके? आप इधर आपने किसी और से ले ली और फिर बाद में आप उसको कहीं और नहीं बेच सकते यहाँ पे बस आप एक बार डायरेक्टली कंपनी से ही सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हो ठीक है थीके? और सेकेंडरी मार्केट में आपका जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है आप उनको कितनी भी बार खरीद सकते हो कितने भी बार बेच सकते हो यहाँ पे सेवरल टाइम आप कर सकते हो ठीक है थीके? फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि आपका देखो प्राइमरी मार्केट में बाइंग और जो सेलिंग है वो कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है ठीक है जो भी कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो परचेज़ करते हैं ठीक है थीके? और सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है यहाँ पर देखो बाइंग और सेलिंग आपका इन्वेस्टर्स के बीच में ही हो रही है जैसे मैंने बताया ना कि पहले किसी ने परचेज़ करी है फिर वो किसी और को सेल करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के आपस में बीच में यहाँ पर डीलिंग होती है ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि देखो यहाँ प्राइमरी मार्केट में जो प्रॉफिट होता है जो गेन होता है वो कंपनीज़ को होता है क्योंकि कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे कंपनी का गेन होता है या फिर इन्वेस्टर्स का गेन होता है ठीक है और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कंपनी के साथ आप डायरेक्टली डीलिंग नहीं कर रहे हो आप जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में डीलिंग करते हो तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टर्स को गेन होता है उनको प्रॉफिट होता है ठीक है आप उनसे सिक्योरिटीज़ लेते हो तो ठीक है तो ये आपका दोनों डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आ सकता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो जैसे पूछ लेगा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है तो आप बता सकते हो कि फंड्स रेज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है उससे काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ठीक है कंपनी की आपकी गुडविल भी अच्छी बनती है आपके शेयर्स का प्राइस अच्छा होगा तो वो वो सारी चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हो तो तो देखो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ठीक है इससे बाहर अगर एक आधा कोई क्वेश्चन आता है तो आप खुद से बना के लिख लेना उसको इसके अलावा देखो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको नहीं बताए क्योंकि उसमें ऐसा बताने जैसा मुझे कुछ लगा नहीं जैसे कि आपका जो टीम बिल्डिंग वाला टॉपिक है टीम बिल्डिंग देखो आप सबको ही पता होती है टीम बिल्डिंग क्या होती है जहाँ पे आप चार पांच लोग मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे होते हैं उसको टीम बिल्डिंग बोलते हैं ठीक है थीके? टीम बिल्डिंग के क्या फ़ायदे होते हैं तो जाहिर सी बात है जब सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो काम जल्दी होगा ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हो जो खुद से बना के लिखने वाली चीज़ें हैं बहुत सिंपल हैं और आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हो ठीक है वो मैंने आपको नहीं बताई हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है मैंने इस वीडियो में जस्ट वही क्वेश्चन आपको बताए हैं और देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है इनमें से कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके जाना